जाना। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की ढेर सारी खुशियां मुबारक हों। और माशाल्लाह हमारे यहाँ पर 18वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। आप बताइए आपके कैसे रोज़े जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो ठीक जा रहे हैं, और कुरान पाक भी पढ़े और ढेर सारे रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े और सबके लिए दुआ करें, सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन कोरमा और साथ में वाइट चना पुलाव। हमारे घर में कुछ खास मेहमान आने वाले इफ्तारी के लिए, तो मैं हम उनके लिए खाना तैयार करने लगे हैं। यहाँ पर मेरी भाभी जो थी वो बना रही थी मटन कोरमा और मैं यहाँ पर बना रही थी चावल। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, उसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। साथ में मैंने जो साबुत मसाले वगैरह वो मैंने ऐड किए, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और जो वगैरह चीज़ें डालते वो वाली। और यहाँ पर मेरी अभी ने डाला था कोरमा मसाला और इसको हम अच्छी तरह से हमने भून लेना है। भून लेने के बाद हमने इसके अंदर जो यखनी थी फिर वो ऐड कर देनी है। ये यहाँ पर मैंने टमाटर, थोम, अदरक का पेस्ट जो था वो भी, और मिर्च वगैरह का पेस्ट जो सारा था वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर मेरी जो भाभी हैं वो बिरयानी मसाला ऐड कर रही है इसके अंदर, हमने इसको अच्छी तरह से भून। चल बोल। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी फूफो बहुत अच्छा कुरान पढ़ती है और आप सबको रमज़ान मुबारक और शुक्रिया। वो यहाँ पर ना वॉइस ओवर कर रही थी, जो मेरी भतीजी मेरे पास खड़ी हुई थी, तो वो कहती थी पापा मैंने भी हमारे साथ ना वॉइस ओवर करनी है, तो उसने भी साथ में थोड़ी सी वॉइस ओवर कर दी। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें ऐड करनी थी वो काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह, सब ज़ीरा और गर्म मसाला, और यहाँ पर जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करते वो हमने की। हमने यहाँ पर लाल मिर्च नहीं ऐड करनी इसके अंदर। और जो हमारा मज जो था अभी वो अच्छी तरह से भाभी अभी तक उसे भूनी जा रही थी। यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दिया, मैंने थोड़ी सी कटोरी में ली थी, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें और मेरे टिकटॉक आईडी को भी फॉलो करें और मेरे यूट्यूब फेसबुक पेज जो है उसको भी फॉलो करें। मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप मेरे लिंक को क्लिक करें और फॉलो कर लें। यहाँ पर मेरी भाभी ने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी, हमें इसे अच्छी तरह से खुशक कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पर मटन कोरमा बना रहे हैं, तो इसलिए जो यखनी है उसको हमने ना अच्छी तरह से खुशक कर लेना। और यहाँ पर हमने नमक कम था, भाभी ने इसके अंदर दोबारा नमक ऐड किया। जब तक पानी का उबाल आना शुरू नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। और यहाँ पर जो हमारा मटन कोरमा था उसके जो हमारी यखनी थी वो काफ़ी हद तक खुश हो चुकी थी। यहाँ पर भाभी ने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए, काली मिर्च, गरम मसाला, जो जो हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं वो हमने ऐड कर दी। हमने यहाँ पर चावल ऐड कर दिए, यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिए, अभी चने बाद में ऐड करेंगे क्योंकि चने ज्यादा गल गए थे, तो भाभी कह रही थी चावल खराब हो जाएंगे, तो हम बाद में चने ऐड करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर हमने चने जो थे हमने ऐड कर दिए हैं और थोड़ी देर बस चमचा इसके अंदर घुमाना है हमने, और ज्यादा नहीं घुमाना क्योंकि चावल टूट जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और यहाँ पर जो हमारा मटन कोरमा था वो भी बन चुका है। और यहाँ पर जो पानी था खुशक काफ़ी हद तक होता जा रहा है, जब खुशक हो जाएगा इसके हम 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। और जो मेरी भतीजी है ना वो इतनी बदतमीज़ है, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे। मेरी पापा को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पापा की टन टन वीडियो को सब्सक्राइब करें। पानी था वो हो गया खुशक और हमने यहाँ पर दम लगा दिया है,
तो 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। यहाँ पर जो बर्तन गंदे हुए थे वो यहाँ पर मैं इसको वॉश करने लगी हूँ, और जहाँ पर मैंने किचन अपना साफ कर दिया। और ये हमारी इफ्तारी के लिए चीज़ें बन रही थी मेहमानों के लिए, खजूरें सेब वगैरह फ्रूट चाट वगैरह बनानी थी उन्होंने। तो यहाँ पर हमारी 15 मिनट के बाद जो चावल थे वो बन चुके थे, जो हमने मेहमानों के लिए इफ्तारी की चीज़ें बनाकर रख दी थी, और थोड़ा सा ही टाइम लग गया था। और यहाँ पर सब ने दुआ मांगी और इफ्तारी करना शुरू कर दी। और जो मेरा खाना था वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि मेहमान आए थे तो अच्छा नहीं होता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातें वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर खाने की वीडियो नहीं बनाई। तो इफ्तारी बना ली, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने ढेर सारी दुआ की, कुरान पाक मैंने पढ़ा। तो ये मेरा ना भाई ना छोटे छोटे से चूज़े लेकर आया था, तो मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी साथ में हमने वीडियो बनाते हैं। ये 10 चूज़े थे जो कुछ उन्होंने भाई ने बाइट छोड़े, तो एक तो घूम गया, बाकी 9 चूज़े अब यहाँ पर रह गए। तो ये मैं इनकी वीडियो बनाती थी, ये मेरे पास आते जा रहे थे, अब वो कह रहे थे शायद मुझे कुछ खाने के लिए दे रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।